हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन से आप अपने किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी चीज़ के लिए टेक्स्ट से एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं, यानी इंट्रो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको साइट पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस इसी तरह से आपका एक इंट्रो आप किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि इंट्रो चल रहा है, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप उसके लिए इंट्रो बनाना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप काइन मास्टर या किसी और एप्लीकेशन से बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और उसमें आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत आपकी मेहनत भी लगती है। लेकिन आज मैं आपको इस एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरह से एनिमेटेड यानी कि टेक्स्ट एनिमेटेड इंट्रो बना के दिखाऊँगा, जो कि बिना कुछ मेहनत किए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। जैसे कि आप साइट पर देख सकते होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एनिमेटेड लिखना होगा या एनिमेटेड टेक्स्ट, तो इस ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे इसके बाद आपको इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए, जैसे आपको इसको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके परमिशन मांगता है, तो इसकी जो भी अलाउ परमिशन मांगता है इसको इसकी परमिशन दे दीजिए। इसमें आपसे एक मीडिया परमिशन मांगा, दूसरे फोटो और गैलरी से कुछ, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कुछ टैक्सेस कहते हैं लिखने के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी टैक्सेस लिख सकते हैं, जो भी आप इसमें टैक्सेस लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके एक इंट्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप मतलब मान लीजिए मेरा गोस्वामी टैक्स यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पर गोस्वामी टैग लिखता हूँ, तो आप देखिए जैसे गोस्वामी टैग लिखा तो ऑटोमेटिकली कुछ ही इस तरह से लोगो बन के आ गया। तो उसके नीचे आप यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भी इफेक्ट हैं, तो मैं जैसे पहले इफेक्ट पे करता हूँ, सेकंड पे करता हूँ तो या कुछ अलग तरीके से आता है, थर्ड पे करता हूँ तो या कुछ, तो उसी तरह से मैं बहुत अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं एक बार किस किस तरह से हैं। और उसके साथ ही आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जैसे आप नीचे देखिए इससे बहुत सारे कलर भी आ रहे हैं, तो कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है। तो जैसे कि आपने मेरा लोगो देखा होगा, मैंने अपना जो भी इंट्रो बनाया है वो इंट्रो भी मैंने इसी से बनाया है, और इसमें थोड़ी बहुत मैंने और एडिटिंग की है जो कि मैंने काइन मास्टर से किया है। तो आप समझ गए होंगे फिलहाल कि किस तरह से इसमें से ऑडियो यानी किस तरह से इसे इंट्रो आप एडिट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी और कमाल की एप्लीकेशन है। एक बार आप इसको यूज़ करके देख लीजिए, इससे होगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा जब भी आप किसी YouTube के लिए इंट्रो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कर दें शेयर। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।